ठीक है जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो अब मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। हमारा जो आज का है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, आखिरी आखिरी टॉपिक्स हैं ये। पहले डिजाइनिंग हो गई, फिर स्पेसिफिकेशन हो गई, फिर मॉडलिंग हो गई, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गई, फिर रिक्वायरमेंट हो गई, फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। वो सारी चीज़ों के बाद जो है एंड वाली जो चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। और ठीक है कमर, आपकी क्वेरी आ गई है मेरे पास। तो जैसे ही असेसमेंट में शुरू करूंगा ना, तब मैं सबको बोल दूंगा कि जिसकी जो चीज़ रहती है वो, जिसकी वैलिड कोई चीज़ रहती है तो वो भेज दें, यानी जिसकी इन्वॉल्वमेंट कोई मसला था बाद में हुई है तो वो उस वक्त मुझे भेज सकता है। ठीक है, अच्छा ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या चीज़ है? और उससे पहले जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें। It is the process used to identify the correctness, completeness and quality of developed computer software. ठीक है, टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने वो चीज़ टेस्ट करनी है जो चीज़ आपने बनवाई है, या जो चीज़ किसी कस्टमर ने जो है सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बनवाई है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है टेस्टिंग। अच्छा, एक तो टेस्टिंग होती है जो कस्टमर खुद करता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, एक टेस्टिंग वो होती है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग, यानी इनिशियल, यानी ऑफिस के अंदर जब वो टेस्टिंग करेगा उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, ये टेस्टिंग की कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ टिपिकल टर्म्स जो हैं, ये आगे आएंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, अगली स्लाइड्स के अंदर। तो अब मैं ब्रीफली बता दूंगा आपको। अभी आप देखें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या चीज़। टेस्टिंग का मतलब वही चीज़ टेस्ट है जो आपके जहन में आ रहा है कि जो चीज़ हमने बनाई है उसको हमने टेस्ट करना है, क्या ये चीज़ वैलिड है या नहीं है, क्या ये चीज़ वही चीज़ है जो हमने बनवानी थी या ये कोई और चीज़ बन गई है जो हमने नहीं बनवानी थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, हमने सॉफ्टवेयर को रन करना है, यूज़ करना है, और उसके बाद हमने उसकी टेस्टिंग करके बताना है, फीडबैक देनी है कि इसमें क्या क्या मसले हैं, क्या क्या बग्स हैं, क्या क्या एरर्स हैं। ठीक है, बग जो है वो रियल टाइम के ऊपर आता है, यानी जब सॉफ्टवेयर चल रहा होता है उस वक्त बग आता है। अच्छा, इट इज द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड क्वालिटी ऑफ डेवलप्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है करेक्टनेस, सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस आइडेंटिफाई करता है, उसकी कंप्लीटनेस, क्या ये प्रोडक्ट कंप्लीट बन भी गई है या नहीं बनी। इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम एप्लीकेशन अंडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशंस बाय मैनुअल और ऑटोमेटेड मीन। बाय मैनुअल का मतलब ये है कि खुद ही जो है लोगों ने चेक किया। ठीक है, ऑटोमेटेड मीन्स का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक टूल्स हैं, ऑटोमेटेड टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं। यानी एक तो खुद हमने टेस्ट करनी है मैनुअली बैठ के, सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के उसके डाटा को फीड करके, चेक करके, तो डाटा को प्रोसेस करके। एक तो ये टेस्टिंग है जिसको मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग है जिसका मतलब ये है कि टूल्स हैं, फर्दर टूल्स हैं जो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या क्या मसला है, क्या क्या मसला नहीं है। ठीक है, इट चेक्स फॉर द स्पेसिफिकेशन, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस। तीन चीजें इसे चेक करनी है। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी वो चीज स्पेसिफाई, जो प्रोडक्ट स्पेसिफाई हो रही है, ठीक है, उसको इसे चेक करना है। इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी इसने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो उसे चेक कर लिया। फिर है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डू वर्क फॉर विच इट वॉज डिजाइंड। यानी जो मर्सिडीज है या जो लेमोजीन है उसकी हमने कैसे टेस्टिंग करनी है, उसके फंक्शनैलिटीज, जो फंक्शनैलिटीज उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आई थी हमने वो चेक करनी है, क्या वो मीट कर रही हैं कि नहीं कर रही। दिस इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। यानी हमने वो चीज़ चेक करनी है कि जो चीज़ जो है इस सॉफ्टवेयर के
के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हुए ये सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए यूज हो रहा है क्या वो चीज मीट कर भी रही है कि नहीं कर रही। दिस इज कॉल्ड फंक्शनलिटी, यानी उसके हमने फंक्शन सारे मीट कर लिया। उसके बाद है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि क्या ये चीज टाइमली और एक्यूरेटली सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस लाइक इट्स रिस्पॉन्स टाइम स्पीड एंड रिसोर्सेज यूसेज, यानी उसका रिस्पॉन्स टाइम और उसकी स्पीड और उसके रिसोर्सेज यूसेज, ये इसकी परफॉर्मेंस मेजर है। लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाया और वो अपने लैपटॉप पे या अपने सर्वर पे इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद जो है वो 100% मेमोरी ले रहा है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर सही चलेगा? कभी भी सही नहीं चलेगा। या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो लाइव और ऑटोमेटिक अपडेट्स ले रहा है, 24/7 अपडेट्स ले रहा है, तो उससे उसके क्या होगा, डिस्क यूसेज ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे भी उसकी परफॉर्मेंस मीट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को मीट करने के लिए जो है करना ये है कि हमने जो है उसके रिसोर्सेज को मीट करने के, ये सॉफ्टवेयर जब चले कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज करें। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अनकवर एज मैनी एरर्स एज पॉसिबल इन अ गिवन प्रोडक्ट, यानी हमने मैक्सिमम एरर्स और बग्स जो है वो डिस्कवर करने हैं अपने सॉफ्टवेयर से, अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से, और उनको हमने रिमूव करने हैं। डिमॉन्स्ट्रेट अ गिवन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचिंग इट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और उसको जो हमने स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट जो हमने ली थी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से पहले पहले फ्रॉम सॉफ्टवेयर, उससे हमने उसको मैच करना है और डिमॉन्स्ट्रेट करना है क्या ये कितनी मीट कर रही है। उसके बाद हमने वैलिडेशन करनी है, यानी हमने ऑथेंटिकेट करना है द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूजिंग द मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट्स, यानी हमने इस चीज़ की हमने ऑथेंटिसिटी करनी है, तस्दीक करनी है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो मिनिमम कॉस्ट ले रही है और मिनिमम एफर्ट ले रही है, जनरेट हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस, परफॉर्म इफेक्टिव टेस्ट केसेस एंड इशू करेक्ट एंड हेल्पफुल प्रॉब्लम। अच्छा, हमने कुछ टेस्ट केसेस जो है वो डिफाइन करने और उनको हमने मीट करना है। ठीक है, अच्छा ये कुछ चीज़ें हैं, एरर, बग, फॉल्ट और फेलियर में क्या डिफरेंस है। एरर का मतलब ये होता है कि ये जो है जिस तरह आपने ऊप के अंदर भी दो टाइप्स के एरर पड़े होंगे, एक क्या होता है सिंटैक्स एरर होता है, एक होता है लॉजिकल एरर होता है ना। अब यहाँ पे जो एरर है वो है इट इज़ अ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस द इनकरेक्ट रिजल्ट दैट प्रोड्यूसेस अ फॉल्ट, यानी एक ऐसा एरर आ रहा है जो इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और उससे फॉल्ट आ रहा है। बग क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ एरर एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड की है अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, तो एप्लीकेशन यूज़ करते करते एकदम वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है, जिसका मतलब ये बहुत बड़ा बग है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें या कोई भी एप्लीकेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो सही में रिस्पॉन्स नहीं करती, दिस इज कॉल्ड बग, यानी रन टाइम के ऊपर, रियल टाइम के ऊपर। उसके बाद है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब है कि स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉज्ड बाय एन एरर, एरर की वजह से कोई मसला आ जाए उसको बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, यानी अगर हमने अपनी कोडिंग के अंदर कोई ऐसी लाइन के ऊपर हमने कोई एग्जीक्यूशन के दौरान कोई ऐसी चीज़ आ गई, यानी कोई नंबर आ गया और उसको हमने डिवाइडेड बाय जीरो कर दिया कोडिंग के अंदर, तो ये बेसिकली क्या है, मैथ एरर। तो इस तरह के एरर जो है ये फॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। फेलियर जो है ये चौथी बड़ी टर्म है, इसका मतलब है डेविएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इट इज एन इवेंट, ये एक ऐसा इवेंट होता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो जनरेट नहीं करता, यानी ये फेलियर की तरफ जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारी ये बड़ी शुरू वाली टर्म्स है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यहाँ पे भी एक स्लाइड इसकी आ गई है, आपके जहन में क्या जा रही है, क्या लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये SDLC क्या चीज़ है, तो आपके जहन में जा रही है चीज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये बिल्कुल वही लाइफ साइकिल है जो हमने शुरू में बताया था कि सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट गैदर करनी है कस्टमर से जाके, क्या क्या चीज़ बनवाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद डिजाइनिंग करनी है, यानी मॉडल की डिजाइनिंग करनी है, फिर उसके बाद
कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, और उसके बाद जो है कोई एरर है तो उसको रिमूव करना है, उसके बाद डिलीवरी करनी है। ये एक मेजर सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है, यूज वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यूज हो रहा है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अ फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट ईच स्टेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेसेसरी टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर को इसने इंश्योर कराना है। लॉजिकल स्टेप्स टेकन टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली लॉजिकल स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को मीट करते करते अल्टीमेटली हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक। ये देखने हैं सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी आई, कोई भी कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रही है उसके पहले फिजिबिलिटी स्टडी आएगी, फिर हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे और मॉडलिंग उसके करेंगे, फिर उसके बाद कोडिंग करेंगे एंड यूनिट टेस्टिंग। कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग साथ साथ होते हैं, ठीक है, ये आगे मैं अगले स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। अच्छा, कोडिंग के बाद जो है इंटीग्रेशन होती है, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स बनते हैं, मॉड्यूल्स करने के बाद जो है मॉड्यूल्स बनने के बाद उनको हम मिला देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन के ऊपर जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग, यानी पूरे पूरे के पूरे सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है। और उसके बाद मेंटेनेंस है, और अगर कोई डिलीवरी है और मेंटेनेंस है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, इस मॉडल को क्या बोलते हैं, ये लिखा भी हुआ है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ये वाटरफॉल मॉडल है, यानी ऊपर से नीचे तक जा रहा है। तो टेस्टिंग का भी एक लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट की इनिशिएशन हुई, सिस्टम स्टडी हुई, उसके बाद टेस्ट प्लान क्रिएट हुआ, उसके बाद डिजाइन टेस्ट केसेस, यानी कि हमने एक प्लानिंग करनी है कि टेस्ट कैसे करना है, उसके बाद हमने डिजाइन टेस्ट केसेस डिजाइन करने हैं, और उसके बाद हमने एग्जीक्यूट करने हैं टेस्ट केसेस, फिर रिपोर्ट करने हैं डिफेक्ट्स को, रिग्रेशन टेस्ट करने हैं, एनालिसिस करने हैं और समरी रिपोर्ट करनी है। टेस्ट प्लान क्या चीज है, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू टेस्ट ए सिस्टम, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, यानी एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे हम कोई सिस्टम को टेस्ट करते हैं। द प्लान टिपिकली कंटेन्स अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द इवेंचुअल टेस्टिंग वर्क फ्लो विल बी। उसके बाद टेस्ट केस है, इट इज स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, इट विल इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्टेड, टेस्ट केस सक्सेस फेलियर क्राइटेरिया, स्पेसिफिक स्टेप्स टू एग्जीक्यूट टेस्ट टेस्ट डेटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, दो मेजर चीजें हैं, एक है वेरिफिकेशन और एक है वैलिडेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अक्सर जो है पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये चीजें आ जाती हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वेरिफिकेशन का मतलब ये है, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वैलिडेशन का मतलब है क्या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये वही प्रोडक्ट है जो हम बनाना चाह रहे थे, क्या हम आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ठीक है। वेरिफिकेशन अगेन सुने, द सॉफ्टवेयर शुड कंफर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन, यानी जो स्पेसिफिकेशन गैदर हुई थी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के वक्त, ठीक है, उसको हमने वेरीफाई करना है, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम प्रोडक्ट सही बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब है द सॉफ्टवेयर शुड डू व्हाट द यूजर रियली रिक्वायर्स, क्या ये वही प्रोडक्ट है जो सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर बनवाना चाह रहा था। आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हम सही बना रहे हैं, यानी क्या हम आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हम वही प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कस्टमर चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पे टेस्टिंग मेथडोलॉजीज शुरू हो गई हैं, दो मेजर टेस्टिंग मेथडोलॉजीज हैं, ठीक है, एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स जो है, जिस तरह ये टर्म से भी है इंडिकेट हो रहा है, ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर हमें कुछ नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, यानी इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो है, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो जैसे भी है, उसकी कोडिंग जैसे भी है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसकी जो है आउटपुट देखें, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये ब्लैक बॉक्स इनपुट जैसे आ रही है, हमें उसकी आउटपुट जो है वो सही सही चाहिए, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, इवेंट्स आ रही हैं, वो ब्लैक बॉक्स से सारी चीज़ें डील कर रहे हैं, हमने ब्लैक बॉक्स के अंदर नहीं जाना, हमने इनपुट देनी है और इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रही है हमने उस आउटपुट को चेक करना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, इसका मतलब है कि हमने इंटरनल कंपोनेंट के अंदर भी जाना है, यानी कोडिंग के अंदर भी हम जाके टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देखें, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन और कोड रिक्वायर्ड, टेस्ट आर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनैलिटी।
व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये है कि नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन एंड कोड रिक्वायर्ड, यानी हम इंटरनल स्पेसिफिकेशन के अंदर भी जा सकते हैं, इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन के अंदर भी जा सकते हैं और कोडिंग के अंदर भी जा सकते हैं। टेस्ट आर बेस्ड ऑन कवरेज ऑफ कोड स्टेटमेंट ब्रांचेस पाथ्स एंड कंडीशंस। ये देखें टेस्ट वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो है कंपोनेंट कोड भी है, ठीक है, इसके अंदर भी टेस्टिंग हो रही है और टेस्ट आउटपुट भी आ रही है। अच्छा आगे है टेस्टिंग लेवल्स, ये कुछ लेवल्स हैं। क्या लेवल्स हैं? एक तो है यूनिट टेस्टिंग, एक है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक है सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि हमने एक यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो पूरी मर्सिडीज गाड़ी है, इसका हमने सिर्फ हमने ब्रेक सिस्टम टेस्ट करना है, ठीक है। पूरी गाड़ी को चलाते हुए उसके ब्रेक नहीं टेस्ट करनी, लेकिन ये कि हमने एक यूनिट बना दिया, ब्रेक सिस्टम बना दिया, सिर्फ हम उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये होंगे यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब कुछ कंपोनेंट्स को जो है हमने इंटीग्रेट कर दिया और उनकी हमने जो है टेस्टिंग की। फॉर इंस्टेंस एक्सीलरेटर और ब्रेक जो है इन दोनों को हमने मर्ज किया और इन दोनों की हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे सिस्टम टेस्टिंग, यानी पूरे जो मॉड्यूल है उस प्रोडक्ट के जो पूरे पूरे कंपोनेंट्स हैं, पूरे पूरे मॉड्यूल्स हैं, उन सब को हमने ज्वाइन किया और उसकी हमने टेस्टिंग की। दिस इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है? टेस्ट ईच मॉड्यूल इंडिविजुअली फॉलोज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डन बाय डेवलपर्स। क्योंकि ये यूनिट एक यूनिट की टेस्टिंग हो रही होती है, तो हम जो है कोड को भी टेस्ट कर सकते हैं। Once all the modules have been unit tested, integration testing is performed. It is systematic testing, produce test to identify errors associated with interfacing. अच्छा आगे इसकी जो है integration testing की कुछ types हैं। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ big bang testing, ठीक है, जिस तरह big bang theory है एक cosmology के अंदर, इस तरह big bang integration testing है, ठीक है। ये integration testing के अंदर further types हैं। इसका मतलब है कि जो सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो कंबाइंड हो गए, सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, और एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया है, ठीक है। तो इस तरह ये सारा जो यूनिट है ये जब कंबाइंड हो गए उसके ऊपर हमने टेस्टिंग की, दिस इज कॉल्ड बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद है टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि जो मॉड्यूल्स ऊपर से नीचे की तरफ कंबाइन हो रहे हैं उनके हमने टॉप डाउन जो है वो टेस्टिंग की, ठीक है। और उसके बाद है बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसका मतलब है कि जो मॉड्यूल्स डाउनवर्ड फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड जो जा रहे हैं, सबसे पहले हमने बॉटम लेवल की जो है मॉड्यूल्स की टेस्टिंग की, फिर हमने उससे ऊपर लेवल की टेस्टिंग की, फिर उससे ऊपर लेवल की टेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद है मिक्सड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोचेज मिक्स हो रहे हैं, यानी जब पूरा प्रोडक्ट बन गया टॉप डाउन भी और बॉटम अप भी, हम ऊपर से भी टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं और नीचे से भी टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्सड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम टेस्टिंग। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम जो है वो बीटअप कर रहा है। द सिस्टम एज ए होल इज टेस्टेड टू अनकवर रिक्वायरमेंट, वेरीफाइज दैट ऑल सिस्टम एलिमेंट्स वर्क प्रॉपरली एंड दैट ओवरऑल सिस्टम फंक्शन एंड परफॉर्मेंस हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। ओवरऑल फंक्शन जो है वो हम अचीव कर रहे हैं। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जो टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स हैं ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ये जो टाइप्स हैं ये सिस्टम टेस्टिंग के अंदर है। अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस। अल्फा टेस्टिंग का मतलब ये है कि जब एक प्रोडक्ट बन गई तो हमने जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वालों को बोला कि आप इसकी टेस्टिंग करवाएं। वो क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कुछ लोगों से उसकी टेस्टिंग करवाएंगे। दिस इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग का मतलब ये है कि जब अल्फा टेस्टिंग हो गई, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से टेस्टिंग हो गई, तो हम इनिशियल एक रिलीज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। इनिशियल रिलीज जो है वो कुछ कस्टमर के कुछ रीजन के लिए होगी। अक्सर आप जब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है बीटा वर्जन। इसका मतलब ये इनिशियल रिलीज है, यहाँ से जो फीडबैक आएगी उसको हम जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये कस्टमर खुद चेक करता है, वो एक्सेप्ट कर रहा होता है और उसके बाद होता है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि क्या वो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है, क्या वो रिसोर्सेज को जो है प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, डिस्क स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, या जो IOs है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, कहीं स्पेस चॉक तो नहीं कर रही, कहीं डाटा फाइल्स जो है वो तो नहीं चॉक कर रही, कहीं टेबल स्पेसेस तो चॉक नहीं कर रही, या कहीं जो है
डिस्क वो 100% तक तो नहीं पहुंच गई जिससे परफॉर्मेंस सारी बैठ जाए, ये रैम 100% तक तो नहीं पहुंच गई जिससे परफॉर्मेंस सारी बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरह जब ये मसले आते हैं तो सीपीयू क्योंकि इतना ओवरलोडेड होता है, तो इस तरह के जब मसले आते हैं रिसोर्सेज के एक्सेप्टेंस रिसोर्सेज के रैम के आईओज के, तो सीपीयू क्या करता है वो बर्न कर जाता है, बर्न कर जाता है यानी जल जाता है। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो दिस इज ऑल थ्रू टेस्टिंग, ये सारा लिखा हुआ है। Alpha testing, it is carried out by the test team within the developing organization. Beta testing, it is performed by a selected group of friendly customers. You know, initial release होती है ये. Acceptance testing, it is performed by the customer to determine whether to accept or reject the delivery of the system. फिर उसके बाद performance testing है. It is carried out to check whether the system meets the non-function requirement identified in the SRS document. यानी जो SRS software requirement specification के अंदर जो चीज़ थी जिसमें हमने बताया था कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कोर टू डू पे चल जाएगा, इतनी मेमोरी लेगा, इतने आईओस लेगा, ठीक है, क्या ये वो चीज़ें मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के आगे फिर फर्दर टाइप्स हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। ये जो आपको जो स्लाइड नजर आ रही है, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, मेंटेनेंस टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने करनी है, इसकी भी असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपने खुद लिखनी है, यानी खुद टाइप करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है मुझे सबमिट करवानी है, ये कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आपने, गूगल पे नहीं जाना, विकीपीडिया पे नहीं जाना आपने, वहाँ पे स्ट्रेस टेस्टिंग लिख के जो चीज़ दो तीन लाइनें आ गई वो कॉपी पेस्ट नहीं करनी, यानी कॉपी पेस्ट पर आपने मेहनत। असाइनमेंट क्या बनानी है सर? ये जो साइड आपको नजर आ रही है इसके ऊपर जो भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ये आपने असाइनमेंट बनानी है, और इन असाइनमेंट इसी में से भी जो है वो फाइनल के अंदर कुछ ना कुछ आ सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो आपने जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने जो खुद असाइनमेंट बनानी है, यानी फॉर इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग अगर आप कहीं से ढूंढते हैं स्लाइड से या लेक्चर से नोट से या बुक से या इंटरनेट से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग का कुछ मिलता है तो आपने खुद समझ के खुद अपने हाथों से लिखना, दो तीन लाइनों के अंदर, ज़्यादा नहीं लिखना। तो इस तरह ये अगर 10 डेफिनेशन हैं तो आपने मैक्सिमम 30 लाइनें लिखनी है, ठीक है। ये आप जो है ये प्रेजेंटेशन है ये वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा LMS के ऊपर। तो ये आज की डिस्कशन है, ये कब है क्या चीज, लास्ट डेट कब है अभी सबमिट करवाने की? लास्ट डेट जो है आज है ना थर्सडे है, आप ट्यूसडे तक करवा दें, ठीक है सर। नेक्स्ट थर्सडे कर दें, कोई इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ कोई मॉडलिंग शॉडिंग नहीं करनी है आपने, कोई डिजाइनिंग नहीं करनी, कोई मॉडल नहीं बनाना, कोडिंग थोड़ी नहीं करनी, बस ये अगर आप वीकेंड पे बैठते हैं तो ये इजीली बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है? हाँ जी हाँ जी, ये वाली बस, ठीक है, ठीक हो गया। पीडीएफ भी कर सकते हैं सर? हाँ वर्ड को पीडीएफ में भी कर दो कोई। चलो ठीक है, लेक्चर का हमारा टाइम एंड हो गया, वैसे भी ये 40 मिनट का लेक्चर होता है, तो ये जो मैंने रिकॉर्ड किया था तो इसको मैं फिर जो है सर काइंडली स्लाइड्स जो हैं वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।